स्वागत है आप सभी का एबीसी अनुज भदौरिया केमिस्ट्री चैनल पर। और आज जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने जो फाउंडेशन बनाया है वो डी ब्लॉक का है। अर्थात आज हम लोग डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को अरेंज करना, उनकी पोजीशन देना, इस पर कार्य करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको समझा दें कि डी ब्लॉक में सबसे पहले ये फोर्थ पीरियड होता है, या फाइव पीरियड होता है, या सिक्स पीरियड होता है, और ये सेवन्थ पीरियड होता है। जबकि डी ब्लॉक के सापेक्ष में स्टडी करते समय इसे 3D, इसे 4D, इसे 5D और इसको 6D के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार डी ब्लॉक के पास अपने खुद के चार पीरियड हुआ करते हैं और इसमें 10 ग्रुप्स हुआ करते हैं। अतः आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपके पास 10 एलिमेंट्स हुआ करते हैं। यहाँ पर हम 9 भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पाए जाने वाले दो एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कॉमनली डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक दोनों के फाउंडेशंस पर अरेंज बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पर से ही 3D लाइन निकली होती है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया हुआ है, जिसमें सर्वप्रथम मैंने पूरे पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट सिखाया था। तो समय को बर्बाद न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले 3D श्रेणी यानी कि फोर्थ पीरियड में डी ब्लॉक के जो सदस्य होते हैं उन्हें भरने के लिए ट्रिक देखेंगे। तो ट्रिक मैं आपके सामने आपके बोर्ड पर लिखने जा रहा हूँ, जिस ट्रिक को कहते हैं साइंस टीचर वैन कार में फिरते कोई नहीं कुछ जानता। यहाँ पर इन एलिमेंट्स को नाम देंगे, साइंस को हम लोग SC, टीचर को TI, वेनेडियम को V, कार को CR, में को MN से शो करते हैं, फिरते को FE, कोई को CO, नहीं को NI, कुछ CU, जानता ZN। तो इन एलिमेंट्स के नाम की भी चर्चा कर लेते हैं। जहाँ पर हम देख रहे हैं SC स्कैंडियम होता है, आप बहुत ही बेहतर तरह से जानते होंगे स्कैंडियम, नेक्स्ट वन टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरम, कोबाल्ट, NI, निकल, कुछ CU, जानता यानी कि ZN। तो इस प्रकार आपके डी ब्लॉक के ये सारे 10 एलिमेंट्स यहाँ पर फिल कर दिए जाते हैं, SC, TI, V, CR, MN, FE, CO, NI, CU और ZN। इनमें आपको केवल ये याद रखना होगा कि साइंस का यानी कि स्कैंडियम का सबसे जो एटॉमिक नंबर है वो 21 है। नेक्स्ट आसानी से आप भर सकते हैं क्योंकि ये सारे कंटिन्यूस नेम हैं, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। तो सारे एटॉमिक नंबर के साथ सही पोजीशन पे डी ब्लॉक में आपने 3D श्रेणी को भरा है। अब इसके आगे हम आप लोगों को 4D श्रेणी के बारे में ट्रिक नोट कराने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। सॉरी, पहले ट्रिक लिखना होगा आपके लिए, ये जरा नंबर मोबाइल ट्रैक करो, मोबाइल ट्रैक करो। यहाँ पर हमारा साइलेंट है, जिसका ट्रिक में केवल अरेंजमेंट करने के लिए रखा गया है, इसका कोई भी वहाँ पर एलिमेंट नहीं बनता है। रूबी रहे पढ़ती अगर CD से। तो देख पा रहे होंगे इनको हम अरेंजमेंट में सेट करेंगे, इससे पहले आपको कंडीशन सेट करनी है, ये जरा नंबर मोबाइल ट्रैक करो। हो सकता है कोई मोबाइल नंबर आपको ट्रैक करना पड़ रहा हो, रूबी रहे पढ़ती अगर CD से, लेकिन शर्त दी गई है कि अगर रूबी CD ड्राइव से पढ़ रही है, उसका कोई नोट CD ड्राइव में है और उनको पढ़ रही है, तो कोई नंबर है जिसको हमें ट्रैक करना है, तो ये जरा नंबर मोबाइल ट्रैक करो, रूबी रहे पढ़ती अगर CD से। तो ये यानी कि बाई, जरा यानी कि आपका ZR रहता है, नंबर आपका NV से हम लोग शो करते हैं, मोबाइल MO से शो करते हैं, ट्रैक TC से शो करेंगे। हमने बताया था आपको करो साइलेंट है, इसका यहाँ पर कोई कारण नहीं। रूबी को हम लोग RU से शो करेंगे, रहे RH की धुन मिलती है हमको, पढ़ती PD की धुन मिलती है हमको, अगर यानी आपका AG हो जाएगा और CD आपका एज यूजुअल CD रहेगा, और से वन सेकेंड हमारा यहाँ पर साइलेंट है। तो आप देख रहे हैं आपके पास दूसरी ट्रिक, ये पहली आपकी 3D की ट्रिक थी, नेक्स्ट आपके पास 4D की ट्रिक है, ये जरा मोबाइल नंबर ट्रैक करो, रूबी रहे पढ़ती अगर CD से। ये आपका यट्रियम होता है, ZR आपका जर्कोनियम होता है, इसके बाद आपका नियोबियम होता है, उसके बाद मोलिब्डेनियम होता है, इसके बाद TC आपका टेक्नेटियम होता है, रूबी आपका रोथेनियम होता है, इसके बाद RH आपका रोडियम होता है, इसके बाद PD आपका
पैलेडियम होता है, ए जी या बेलनोन सिल्वर होता है और सी डी आपका कैडमियम होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं 3D और 4D श्रेणी के आप सारे एलिमेंट्स के नाम लिखना सीख चुके हैं। इनकी संख्याएं 10-10 हुआ करती हैं, जो इस प्रकार से बिल्कुल इसी क्रम में सीधी सीधी भर दी जाती हैं। तो येट्रियम से लेकर कैडमियम तक आपने ये एक सीरीज़ पढ़ी, जिसको 4D सीरीज़ के नाम से जाना जाता है। एटॉमिक नंबर, जैसा कि आपको स्कैंडियम का 21 था, मैंने आपको बताया था। जब 4D पर आएंगे तो आपने हमारी पिछले वीडियोस में, जिसमें आपने देखा होगा, हमने पूरा कॉन्फ़िगरेशन सिखाया था, उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या इसको आपको ऊपर शो कर दिया जाएगा। तो इस श्रेणी में आप देखेंगे 21 के बाद हमको 18 नंबर्स जोड़ने थे, तो 21 में यदि हम 18 जोड़ दें तो 39 हो जाता है हमारे पास। तो यानी कि यहाँ पर यदि एटॉमिक नंबर 21 है तो इसमें 18 जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपके पास 39 हो जाएगा। आगे के एटॉमिक नंबर बढ़ते हुए क्रम में होते हैं, यानी कि 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, इस टाइप से आप पढ़ते हुए चले जाएंगे। बहुत बहुत आपने गौर से समझ लिया होगा किस प्रकार हम 3D और 4D श्रेणी को भरते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम स्टडी करते हैं अब 5D श्रेणी की। 5D श्रेणी, जिसकी विशेष बात यह है कि यहाँ पर सबसे पहली ही पोजीशन पर F ब्लॉक की पहली श्रेणी इस प्रकार से खड़ी हुई है 3D में, और जब 60 पढ़ेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर पहले पर श्रेणी खड़ी हुई है F ब्लॉक की। तो यानी यहाँ पर आने वाला एलिमेंट दोनों तरह से कॉमन रूप में पढ़ा जाता है। कुछ लोग इसकी स्टडी डी ब्लॉक में भी करते हैं, कुछ लोग इसकी एफ ब्लॉक में भी करते हैं, कि इसके कुछ करैक्टर डी ब्लॉक से मिलते हुए और कुछ करैक्टर एफ ब्लॉक से मिलते हुए होते हैं। तो ये पोजीशन कौन सी है, उसी क्रम में जैसा कि हमने आपको काउंट कराया था, 21 प्लस 18 39 होता है, और 39 प्लस 18 करेंगे तो यहाँ पर आपका 57 नंबर आता है। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर 57 है, जो आपका लेंथेनियम का है। तो 5D श्रेणी में इसी क्रम में हम इसकी ट्रिक लिखते हैं। तो इस ट्रिक में यहाँ पर एटॉमिक नंबर भी कई जगह बच्चों को कंफ्यूज करता है, इसी वजह से ट्रिक में मैंने एटॉमिक नंबर लेने का भी प्रयास किया है। 57,72,000 बसूलो में आपको वाह बनाना है बा के स्थान पर, थोड़ा सा ये हिंदी से मिस्टेक करते हुए चलेंगे ताकि हमको केमिस्ट्री में लाभ होता रहे। वसूलो रे उस ईरानी पतले और मरियल से, यहाँ पे आपका सी साइलेंट है, यहाँ आपका सी साइलेंट है। अब इस ट्रिक को हम लोग फुल यूज़ करना चाहेंगे तो हम देखते हैं 57 जो कि एटॉमिक नंबर है यहाँ पर एल ए का, और इसके बाद गैप हो जाएगा क्योंकि मैंने बताया यहाँ से आपकी एफ ब्लॉक की श्रेणी निकल गई, यानी कई एटॉमिक नंबर आप मिस कर देंगे, फिर आप यहाँ पे आएंगे और जब आएंगे और उनकी संख्या 14 होगी। आपको ये भी बहुत अधिक रटने की आवश्यकता नहीं, ऐसे 14 एलिमेंट हैं जो यहाँ पर एफ ब्लॉक के लिए कॉमनली चले जाएंगे। तो यहाँ पर जब नेक्स्ट नंबर आएगा हमारा तो एटॉमिक नंबर आएगा 72। तो आपको दो लाभ होंगे, आपको 57 का ध्यान याद रखना है कि हमको 58 नहीं लिखना है, हमको 72 लिखना है, क्योंकि हमारी ट्रिक के अनुसार 57,72,000 यानी कि आपका HF आएगा। इसको हज़ार को कभी कभी मैंने अपनी ट्रिक में हफ्ता शब्द भी बोला है, हफ्ता, तो हाँ से हज़ार रखना है आपको याद, और HF से हफ्ता भी आपको याद रहेगा। तो इस तरह से 57,72,000 हफ्ता वसूलो रे, या 57,72,000 वसूलो रे, ऐसा आपको याद करना है। तो 57 LA का एटॉमिक नंबर है और HF का आपका 72 एटॉमिक नंबर होता है, इसको हैफनियम कहते हैं। तो वसूलो रे उसको हफ्ता का TA आपको लेना है, हफ्ता का आपको TA लेना है, वसूलो का आपका W आ जाएगा, रे आपका RA हो जाएगा, बिल्कुल उसको ओस पढ़ देते हैं, यहाँ पर OS आ जाएगा आपका, ईरानी यानी कि आपका IR आ जाएगा, पतले यानी कि आपका PT आ जाएगा, और यानी कि AU है, और मरियल आपका मरकरी होता है जिसका सिंबल बेल नोन है, आप 9th-10th से पढ़ते रहते हैं कि HG होता है। तो इस प्रकार 57 LA का एटॉमिक नंबर है, 72 HF का है, हफ्ता में HFTA पूरा आपको मिल जाएगा, दो एलिमेंट मिल जाएंगे, हफ्ता, ठीक है, और वसूलो आपको W देगा, रे RE OS IR PT AU और HG। अब इनका नंबर, एटॉमिक नंबर आपको मिल गया है, तो यहाँ पे 57 होगा यानी यहाँ पे आपका 72 होगा, नेक्स्ट आपके कंटिन्यू हो जाएंगे यानी कि 73 74 75 76, इस टाइप से आप फर्दर सो ऑन लगातार असेंडिंग नंबर्स में बढ़ते रहेंगे। LA आपका लेंथेनियम होता है, HF आपका हैफनियम होता है, इसका टेंटेलियम होता है, उसके बाद आपका टंगस्टन, इसके बाद रहनियम, फिर ऑस्मियम, उसके बाद इरिडियम, उसके बाद प्लेटिनम, इसके बाद गोल्ड है, एंड लास्ट वन आपका मरकरी है।
तो इस प्रकार से आपने अभी जो ट्रिक पढ़ी हुई ये 5D की है, इसमें याद रखना है आपको, मैंने नंबर्स का यूज़ भी साथ में किया है क्योंकि दो एटॉमिक नंबर ऐसे हैं जहां आपको गौर करने की आवश्यकता होती है, उसके बाद सारे एटॉमिक नंबर असेंडिंग ऑर्डर में हुआ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसी क्रम में 6D को पढ़ना शुरू करेंगे। 6D में भी यही सिचुएशन आती है, तो मैंने बोला था आपको 57 के बाद यहाँ तक आने में आपको इस बार 32 ऐड करना रहेगा, जिस हिसाब से आपका 89 एटॉमिक नंबर आता है, तो ये यहाँ पे 89 एटॉमिक नंबर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इसके बाद आपका 14 का इस प्रकार से गैप है क्योंकि यहाँ पर एक श्रेणी एफ ब्लॉक की रखी हुई है, तो यहाँ पर आपका जो एटॉमिक नंबर बनता है वो आपका 104 होगा। नेक्स्ट आपको असेंडिंग ऑर्डर में चलते जाना है, 105, 106 एंड सो ऑन। तो यानी कि हमारी ट्रिक ऐसी होनी चाहिए जहाँ 89 और 104 का नाम जरूर आना चाहिए ताकि आपको इस तरह से किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन का सामना ना करना पड़े। तो इसकी जो मेरे पास ट्रिक है वो है 89 एक्सीडेंट 104 रफ्तार से। 104 आप समझ सकते हैं किसी गाड़ी की स्पीड रही होगी, और आपके दोनों एटॉमिक नंबर आ जाएंगे यहाँ पे 89 भी और 104 भी, जिनकी आवश्यकता आपको पड़ा करती है। तो 89 एक्सीडेंट 104 रफ्तार से, और जब इस एक्सीडेंट को हुआ तो आपको कंसीडर करना है कि जैसे कोई हंस रहा है तो फिर उसको कुछ आप धमकी टाइप से देंगे, तो क्या हुआ, दोबारा हंस मत संगीता भदौरिया। भदौरिया से आपको ये भी याद रखना है, ये ट्रिक आपको मिली थी ABC अनुज भदौरिया केमिस्ट्री चैनल से, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए यदि आपको हमारी ट्रिक बहुत ज़्यादा यूजफुल लगती है। जैसा कि ट्रिक्स तो हमेशा से यूट्यूब पर उपलब्ध रही हैं, किंतु ये ट्रिक प्रायः कुछ ही कंडीशंस पे खरी उतरती हैं, लाइक दैट वो आपको सिंबल तक पहुंचा देते हैं, किंतु आप देख रहे हैं डी ब्लॉक में कन्फ्यूजन एटॉमिक नंबर की भी आती है, तो मैंने वो भी आपको देने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं कोशिश करता हूँ स्टूडेंट्स को और भी ज़्यादा आसान लगे केमिस्ट्री, ताकि एक समय ऐसा आए जब आपको केमिस्ट्री से भय ना लगे और केमिस्ट्री आपको सबसे अट्रैक्टिव सब्जेक्ट लगने लगे। हंसमत संगीता भदौरिया, तो जब हंसमत वरना क्या हो जाएगा, वरना कुछ तो होगा, तो धमकी देनी है, दोस्त रहेंगे कनाडा में। मैं आपका साइलेंट है, आप यहाँ पे मैं का यूज ना भी करिए तब भी आपकी बात पूरी होती है, दोस्त रहेंगे कनाडा, फिनिश। तो अब इनका देखेंगे हम लोग, इन्हें चेंज करेंगे एटॉमिक सिंबल में। तो एक्सीडेंट जैसा कि आप AC से दिखाएंगे, रफ्तार आपका RF से दिखेगा, अपना से यहाँ पर साइलेंट है, आपको बता दें, दोबारा DB, दोबारा बिल्कुल सेट बैठा ना, दोबारा हंस, दोबारा थोड़ा सा एक मिस्टेक हुई जिसके लिए क्षमा चाहते हैं, दोबारा संगीता भदौरिया हंस मत है, सॉरी आई एम सॉरी हंस मत। तो संगीता भदौरिया यानी कि SGBH हंसमत, संगीता भदौरिया हंसमत, HS मत आपका MT होने वाला है, दोस्त शब्द आपका जो है DS से लगता है, DS दोस्त रहेंगे RG और कनाडा यानी कि CN में। दोबारा दोहराते हैं ट्रिक को, 89 एक्सीडेंट हुए हैं 104 की रफ्तार से, और दोबारा संगीता भदौरिया हंसमत, उसको कहा जा रहा है कि एक्सीडेंट जब हुआ है तो संगीता भदौरिया नाम की महिला कोई हंस रही है, तो संगीता भदौरिया हंसमत, क्योंकि यदि वो हंसेगी तो होगा क्या, दोस्त रहेंगे कनाडा में। तो AC आपका एक्सीडेंट को शो करता है, RF आपका रफ्तार को, DB आपका दोबारा संगीता SG भदौरिया BH हंस HS मत MT दोस्त DS रहेंगे RG कनाडा आपका CN होता है यहाँ पर। तो इनके नाम भी एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग, एक्टिनियम है, रदरफोर्डियम है आपका, नेक्स्ट वन आपका ड्यूबनियम है, इसके बाद सीबोर्जियम है, इसके बाद आप जो देख रहे हैं वो आपका ओवरियम होता है, HS आपका हशियम है, बिल्कुल नाम से मिलता जुलता भी है, मत आपका मेटरनियम है, इसके बाद DS आपका डर्मेस्टेनियम है, इसके बाद रोएंडजीनियम है, एंड नेक्स्ट वन आपका कॉपर से मिलता जुलता नाम होता है, कॉपरनिशियम होता है। तो इस प्रकार आपने RG ब्लॉक की सारी ट्रिक्स यहाँ पर पढ़ी हुई हैं, और उम्मीद करते हैं ये ट्रिक्स आपको काफ़ी हद तक लाभ पहुँचाने वाली हैं और आप इनका समय समय के साथ उपयोग करते रहेंगे। पूरी पीरियोडिक टेबल भरना भी आप सीख चुके हैं लगभग, सिर्फ F ब्लॉक आपका बाकी है, जिसका वीडियो आपको नेक्स्ट जल्दी ही मिलने वाला है। सबसे पहले मैंने आपको S ब्लॉक का दिया था, P ब्लॉक का वीडियो दिया था, D ब्लॉक का वीडियो दे दिया है मैंने आपको, F ब्लॉक ही केवल आपका बाकी, जिसका जल्दी ही आपको वीडियो मिलने वाला है, और आप इन सबको इनके एटॉमिक नंबर के साथ पूरी तरह से पीरियोडिक टेबल में भर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान करे आपका दिन शुभ रहे, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, धन्यवाद आप सभी।